हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी रांची के ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स के लिए। जी हां फ्रेंड्स, आरआरबी रांची के ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने फुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है, जो भी पीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पीईटी क्वालिफाइड सभी कैंडिडेट का डीवी और मेडिकल का शेड्यूल आ चुका है। साथ ही फ्रेंड्स, डीवी के लिए कट ऑफ मार्क्स भी रेलवे ने जारी कर दिया है। साथ ही डीवी और मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट पीईटी क्वालिफाई किए हैं उनका अब डीवी के लिए कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है। तो पीईटी से लेकर डीवी तक के कट ऑफ में कितना अंक का यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, कितना नंबर बढ़ा है, तो सब कुछ हम ऑफिशियल वेबसाइट के डेटा के थ्रू बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए, मैंने आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है आपके लिए। इसमें देखिए, यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का कट ऑफ जारी कर दिया है जो भी डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं। तो इसके डेटा के आधार पर हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, आरआरसी 1/2019 साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता कट ऑफ। तो फ्रेंड्स, जो भी आरआरबी रांची वाले कैंडिडेट थे उनके लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी कर दिया है डीवी के लिए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इधर कैटेगरी को लिया है, सबसे पहले यूआर कैटेगरी, उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। यहाँ पर पांचों कैटेगरी का मैंने यहाँ पर पीईटी का कट ऑफ यहाँ पर लिख दिया है। पीईटी के लिए जो कैंडिडेट को क्वालिफाई किया था उस टाइम यूआर का कट ऑफ गया था 70.64 यानी 70.64, ओबीसी का कट ऑफ गया था 64.64, एससी का कट ऑफ गया था 54.29, एसटी का कट ऑफ गया था 46.95 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 53.97। अब फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल का शेड्यूल आ चुका है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ओर से। तो यहां पर देखिए, अब यूआर का कट ऑफ कितना गया है 75.64, यानी यूआर के लिए पाँच नंबर यहां पर कट ऑफ अधिक गया है, यानी कट ऑफ पाँच नंबर बढ़ गया है। ओबीसी कैटेगरी का गया है 70.75, यानी ओबीसी में भी 6.11 नंबर यहाँ पर कट ऑफ में बढ़े हैं डीवी के लिए। इसके बाद एससी कैटेगरी का देखिए 62.94 गया है, और अब एससी का जो कट ऑफ बढ़ा है यहाँ से देखिए 8.65, एसटी कैटेगरी के लिए देखिए 53.27 गया है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से, यहाँ पर 6.32 यहाँ पर एसटी का कट ऑफ बढ़ा है। और सबसे ज़्यादा देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बढ़ा है, पहले 53.97 गया था, अब डीवी के लिए 62.98 गया है और 9.01 नंबर यहाँ पर कट ऑफ में इंक्रीज हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पीईटी का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोनों अलग अलग कट ऑफ देख सकते हैं। साथ ही कितने नंबर किस कैटेगरी में यहाँ पर कट ऑफ में इंक्रीज हुए हैं तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जिन भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर से एक और लिस्ट जारी किया जाएगा, और जितने कैंडिडेट डीवी मेडिकल में अनफिट होंगे उतने ही कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज फिर से एक और लिस्ट जारी किया जाएगा, उन जितने कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे उसके रेशियो के अनुसार। और जो एक कट ऑफ है अभी का, इसको फिर से डिग्रीज कर दिया जाएगा और जितने कैंडिडेटों को रेलवे की आवश्यकता होगी उतने कैंडिडेटों के लिए फिर से नया डीवी शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो ये अभी आगे टाइम लगने वाला है, तो इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।